नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम कक्षा 10 की हमारी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की क्षितिज में कार्यखंड का जो नवा अध्याय है नागार्जुन, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले भाग का हमने कल अध्ययन किया था, जिसमें कल और आज ये कविता थी, जिसमें ग्रीष्म और वर्षा ऋतु जो है उसका वर्णन किया गया था कि किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में हर तरफ जो है हर प्रकार से हर कोई कष्ट में अनुभव करता है, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो जो ग्रीष्म ऋतु है वह अपने सारे जो लाभ रस हैं कि लू वगैरह है उसको लेके वो चली जाती है और हर तरफ जो वातावरण है आनंददायक हो जाता है। तो कल हमने उसका अध्ययन किया था। आज जो है नागार्जुन द्वारा रचित जो रचना है दूसरी जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है उषा, तो इसमें प्रातःकाल, अब उषा जो है उषा की लाली जो है उषा का प्रातःकाल का जो वर्णन है सूर्योदय से पहले का जो समय है जब अपने देखते हैं आसमान में लाली छाई रहती है और ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्योदय होने से पहले का जो वातावरण है तो उसी का वर्णन इसमें कवि ने किया है कि प्रातः के समय उषा की जो लाली है प्रातःकाल की जो लाली है वो किस प्रकार से हमें आनंदित करती है। तो इसी भाव को नागार्जुन ने अपनी कविता के रूप में मुखरित किया है, आज हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं। उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर। अब इसमें कवि कहता है कि प्रातःकाल की जो लाली है उसके अंदर अभी से निखर गए, अभी से गए निखर, निखर मतलब अत्यंत जो मनोहारी हो गए हैं, सुंदर हो गए हैं, उज्जवल हो गए हैं हिमगिरी के कनक शिखर। अब हिमगिरी, अब ये जो हिम है हिम का मतलब होता है बर्फ, गिरी मतलब पर्वत, वह पर्वत जहां पे बर्फ गिरती है अर्थात हिमालय। तो हिमालय के जो है जो शिखर है जो चोटियां हैं वे कनक, कनक का मतलब यहाँ पे सुनहरा या सोने के समान है, क्योंकि जब प्रातःकाल की जो लाली है जब हिमालय के शिखर के ऊपर गिरती है तो ऐसे लगता है कि जैसे वह सुनहरे रंग का हो गया है, सोने के जैसा बन गया है, सोने से मंड दी गई हूं चोटियां जो है, ऐसा प्रतीत होता है। आगे बड़ा शिशु रवि, बदली छवि बदली छवि। अब कवि कहता है कि जैसे जैसे शिशु रूपी जो सूर्य है, अब इसमें देखिए अब सूर्य को बालक के रूप में बता दिया, अब प्रातःकाल के समय जब अपने देखते हैं कि जो सूर्य है वो बालक के समान आता है, हर कोई जो है स्नेह से उनकी ओर देखता है, तो आगे बड़ा शिशु रवि बदली छवि बदली छवि। अब कवि कहता है कि जब उषा की लाली से थोड़ा ऊपर उठते हुए जो सूर्य है जब उदय हो रहा है तो उसके कारण से जो छवि है अर्थात जो प्राकृतिक वातावरण है आसपास का जो वातावरण है वो बहुत अधिक बदल गया है, अर्थात बहुत अधिक आकर्षक लग रहा है, चारों ओर जो है सुनहरा जो रंग है ऐसे लगता है बिखेर दिया गया हो, चारों ओर सुनहरा रंग जो है वो दिखाई देता है, ऐसे लगता है कि जैसे चारों ओर सोना उढ़ेल दिया गया हो। देखता रह गया अपलक कवि डर था प्रतिपल, अपरूप यह जादुई आभा जय न बिखर जय न बिखर। अब देखता रह गया अपलक, अपलक, अब अपलक का मतलब है बिना पलक झपकाई। कवि जो है नहीं चाहता कि उसके पलक झपकाने से ही उसकी जो सुंदरता है प्रातःकाल की उषाकाल की जो सुंदरता है वह उससे छूट जाए, तो इसलिए कवि कहते हैं कि मैं बिना पलक झपकाए ही बिना किसी गतिरोध के उस छवि को देखता रहा देखता रहा, लेकिन डर भी था। अब देखिए इसमें आगे पंक्ति में दिया डर था प्रतिपल, प्रतिपल प्रतिपल का मतलब प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण जो है कवि कहता है कि प्रत्येक क्षण जो है मुझे डर था, डर किस बात का था, अपरूप यह जादुई आभा जाए न बिखर जाए न बिखर, अपरूप। अब एक तो रूप होते हैं सुंदरता के लिए, अपरूप यानी कि बदरंग, अब मतलब बुरा या कम के लिए प्रयोग कर सकते अपने, तो उसका जो रूप है वो कम नहीं हो जाए, उसकी जो जादुई आभा है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है ऐसी आभा, आभा मतलब होता है चमक या सुंदरता के लिए प्रयोग कर सकते हैं इसको आभा को अपने, कि जो सुंदरता है उसकी उस दृश्य की प्रातःकाल का जो दृश्य है उसकी जो सुंदरता है, कवि कहता है कि कहीं उसका जो रूप है वो बिगड़ नहीं जाए अर्थात फिर बदरंग नहीं हो जाए। अब बदरंग कैसे नहीं हो जाए, क्यों जैसे जैसे सूर्य अपने उदय हो रहा है तो जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है
अब शिशुअवस्था है, शिशु से बाल्यावस्था फिर किशोरावस्था में आता है। अपने देखते हैं धीरे धीरे बढ़ता है जब सूर्य, तो जैसे जैसे सूर्य बढ़ रहा है तो उसकी जो कांति जो तेज है वो ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो कोई भी जो दृश्य है वो वैसा सुनहरा नहीं रहता जैसे प्रातःकाल के समय हमें दिखाई देता है, क्योंकि चारों ओर लालिमा छाई रहती है, ऐसे लगता है कि जैसे चारों ओर जो सुनहरा रंग जो बिखेर दिया गया वो। तो कवि कहते हैं कि यह जो जादुई आभा है, जो मुझे दृश्य अब दिखाई दे रहे हैं, सुंदरता लिए हुए हैं, जो मुझे जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रही है, कहीं यह कम नहीं हो जाए, जाए न बिखर जाए न बिखर। अब कवि कहते हैं कि मुझसे ये जो है जो सुंदरता मैंने ग्रहण की है इस प्रातःकाल के समय, जो लाली है जिसके कारण से चारों ओर का वातावरण जो आनंददायक हो गया है, कहीं यह मुझसे बिखर नहीं जाए। अब इस बात का डर जो है कवि को बना रहता है। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। अब अंतिम पंक्ति के माध्यम से भी कवि जो है पहले वाली बात को ही, यानी कि पहले उसके मन में जो भाव उदय हो रहा था कि प्रातःकाल के समय उषा के समय जो है उसकी जो लाली फैलने से जो हिमालय है उसके कनक शिखर जो है, जो शिखर है, जो चोटियां हैं बर्फ से ढकी हुई, वे सुनहरे रंग की हो जाती हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब सूर्य उदय होते हैं और उसकी जो लालिमा है धरती पर गिरती है, तो धरती के ऊपर भी चारों ओर जो है लाली छा जाती है और हर प्रकार से सुनहरा जो रंग है वो गिरा हुआ दिखाई देता है, और हर प्रकार से सभी जो वस्तुएं हैं धरती के ऊपर, तो वे सभी जो हमें सुनहरे रंग की दिखाई देती हैं, अत्यंत आकर्षक दिखाई देती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कोई जादू जो है वो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और कभी जो है ऐसे क्षण को प्रत्येक पल जो है अपनी आंखों में बसाए रखना चाहता है। उषा की लाली में भले उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। अब कवि कहता है कि प्रातःकाल की जो लालिमा है तो उसके अंदर भले उठे थे अच्छे हो गए थे निखर कर, उज्जवल होकर हिमालय के जो कनक शिखर है, यानी कि हिमालय की जो चोटियां हैं वे सुनहरे रंग की हो गई थी, जो कि अत्यंत ही आकर्षक लग रही हैं। तो ये था उषा की लाली, जिसमें हमने प्रातःकाल की जो लालिमा है, प्रातःकाल का जो दृश्य है उसके वर्णन को पढ़ा है कि किस प्रकार से कवि ने प्रातःकाल का जो दृश्य है उसको अत्यंत मनोहारी, आकर्षक जो है, चिताकर्षक उसके अभिव्यक्ति जो है वो कवि ने की है। अब पाठक को पढ़ने से ऐसे लगता है जैसे हम स्वयं जो है उस दृश्य को देख रहे हैं, हमारे सामने ये घटित हो रहा है। तो सहज शब्दों का ऐसे प्रयोग किया गया है, और तत्सम जो शब्द है यानी जो संस्कृत के शब्द है उनका प्रयोग इसमें किया गया है, और अलंकार की दृष्टि से अगर देखें तो जैसे शिशु रवि, शिशु रूपी सूर्य, अब इसमें शिशु और रवि जो है ये एक का आरोप दूसरे पे किया गया है, अब भेद्य रूप बताया गया इसमें, तो इसके कारण से यहाँ पे रूपक अलंकार है इसमें। और जाए न बिखर, अब ये देखिए एक जैसे आ रहे हैं इसमें, अर्थ एक जैसे ही है, तो यहाँ पे यवक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और अनुप्रास अलंकार है उसकी छवि भी इसमें दृष्टव्य है। तो इस प्रकार से नागार्जुन द्वारा रचित जो दो रचनाएं हैं हमने उनका अध्ययन किया है। पहले भाग में हमने अध्ययन किया था कल और आज कविता का, और आज भाग जो दो हमने पढ़ा है उसके अंदर उषा की जो लाली है, प्रातःकाल की जो लाली है, उसका वर्णन हमने पढ़ा है। अब इसमें नागार्जुन जो है प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो इसी कारण से उन्होंने प्राकृतिक जो बिंब है उनके माध्यम से अपनी भावना को उकेरा है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है नागार्जुन द्वारा रचित जो रचना है उषा की लाली, उसका अध्ययन किया है। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।